वेलकम टू डी टी अकैडमी। अज का आप लैक्चर जो स्टार्ट करांगे वो करांगे हाइड्रोस्फेयर बारे। आप प्रीवियस लैक्चर के एटमोसफेयर लिथोस्फेयर ये चीज़ा देख लिया ने, अज आप गल करांगे हाइड्रोस्फेयर बारे। हाइड्रोस्फेयर दे विच की कुछ हुंदा, केड़े केड़े पार्ट्स मिलके इनू हाइड्रोस्फेयर बनाउंदे ने, कित्थे अपने लिए किन्ना पानी है ते कित्थे किहड़ा पानी पाया जांदा गा। सो बेसिकली आप ये जानते हैं कि वाटर के उपर 70% जो है वो तुहाडा पानी है, तो 30% ओनली लैंड है। लैंड आप लिथोस्फेयर के देख ली कितने कि लैंड पाई जाती हैगी, तो एटमो अज हाइड्रोस्फेयर जो अपना 70% पानी है वो बारे आप जानते हैं, यह पानी कितने कितने पाया जाता तो कि खेत्र आते हैं उन्होंने की बोलते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। आप पानी थोड़ा ओशनज़ तो जो थोड़े बेसिकली ओशनज ने इन सलाइन वाटर पाए जाते, तो सारे नो ज़्यादा मात्रा के पानी थोड़ा ओशनज़ के ही पाया जाता जो कि 97.5% है। इस तो बाद को आ जाते हैं जी आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। आइस कैप्स एंड ग्लेशियर जो पर्बतों उपर पाए जाते हैं, उच्चे एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं गे, जे को साउथ या नॉर्थ पोल के उत्ते पाए जाते हैं, वो थोड़े को है जी 2.05% वाटर। यही थोड़ा वाटर है जो ओनली पीन लाइक है, ज यही वाटर है तुसी जो यूज़ करते हो बेसिकली पीन दे। ओशन वाटर है जो अपना वह यूज़ नहीं होगा, यही थोड़ा फ्रैश वाटर है जो अपने अर्थ के उपर इन्ना पाया जाता है। उस तो बाद जी थोड़े को आ जाता है ग्राउंड वाटर जो वाटर अर्थ के नीचे पाया जाता है, वो थोड़े को तादाद है उसकी 0.68%। इस तो बाद आ जाता है सोयल मॉइस्चर जो मिट्टी के मॉइस्चर पाया जाता है, उसके नाल अपने को कितना पानी है। सोयल मॉइस्चर थोड़े को है जी 0.01%। इस तो बाद गल करिए सलाइन लेक्स, जो लेक्स सलाइन ने नूण वाली ने नमकीन ने गियाँ, उत्थे किहड़ा पाना कित्थे उत्थे किहड़ा पानी पाया जाता है, उत्थे पाया जाता है जिन्ना 0.006%। हुण सलाइन तो बाद आप गल करिए ओनली लेक्स की जिदे विच फ्रैश वाटर आ जाणगियां, उहदे विच 0.013% वाटर है जो अपने लिए पाया जाता है। एंड जो अपने को रिवर्स वगते ने अर्थ के उपर, जिन्ने भी रिवर्स वगते ने फ्रैश वाटर रिवर्स वगते ने गे, जां रिवर्स इन्हों सिंपली तुसीं कह सकदे हो, वह अपने लिए टोटल दे विच पाया जाता जी 0.0001%। टोटल इन्ना पानी फ्रैश वाटर अपने लिए रिवर्स का पाया जाता पूरी अर्थ के मुकाबले। तो एटमोसफेयर दे विच अपने कोल एटमोसफेयर दे विच 0.0009% जो तुहाडा मॉइस्चर पाया जाता जब पानी पाया जाता है या वाटर वेपर पाया जाता है, यह तुहाडी टोटल जो अर्थ के उपर 100% पानी पाया जाता है वो क्लासीफिकेशन है, जिदे विच ज़्यादा अपने लिए ओशन दे विच पाया जाता है, तो सारे नो घट अपने रिवर्स के पाया जाता जो कि फ्रैश वाटर है। तो ये ओनली पीन लेक पानी थोड़ा आइस कैप्स हो गए, फ्रैश वाटर रिवर्स हो गए इन्हों दे विच है, जब लेक्स दे विच आ सकता है जो कि ओनली 0.13% है। इन्ना थोड़ा पानी है जो सिर्फ पीण लायक है, जो कि 3% भी एक मात्रा उसकी बनती नहीं है, सिर्फ इन्ना पानी पीन लायक है पूरी अर्थ के उपर। बाकी 30% थोड़े को लैंड है जी अर्थ के उपर, 70% की है वाटर है। वाटर के आप पहला गल कर लें जो थोड़ा पानी 97% पाया जाता है, वो आप गल कर लें ओशनज की। अपने को मेजर ओशन पाए जाते हैं, जो भी धरती के उपर पानी है अलग अलग उन्होंने आप डिफरेंट पार्ट्स के वंडिया होगा, वो पार्ट्स नू आपा कुछ नेम दिते हुए ने, उन्हां नू एक ओशन की आइडेंटिटी दिती हुई है, तो ओशन नू डिफरेंट नेम दिते गए हैं। जिस तरह इंडियन ओशन हो गया, इंडियन ओशन ओनली इदां दा ओशन है जो कि एक कंट्री के नाम पर बनया हुआ है। इस तरह ही सब कॉन्टीनेंट ओनली इंडियन सब कॉन्टीनेंट ऐसा कॉन्टीनेंट है जो एक कंट्री के नेम पर बनया। इस तरह ही प्लेट जो आप टेक्टोनिक प्लेट्स कीतियां सी, ओनली एक तुहाडी एक कल्ली प्लेट है जो कि किसी कंट्री के नाम पर बनी है, बेसिकली मेजर प्लेट इंडियन प्लेट है, जो होर कंट्री प्लेट्स भी हो सकती हैं बट मेजर के इंडियन प्लेट्स वो पाई जाते जो कि कंट्री के नाम पर। इस तरह थोड़ा इंडियन ओशन, इस ही तरह अगर तुसी इंडियन ओशन तो इस साइड चले जाते हो न्यूजीलैंड साइड हो गया, इस दे विच तुहाडा
पैसिफिक आ जाता है जो चाइना या रशिया तो लैके US के विचाले पाया जाता है। अगर इस साइड चले जाने हो तुसीं तां अफरीका ते उहदे विचार विचकार तुहाडा अटलांटिक सी पाया जाता है US दे विचकार, यूरोप एंड अफ्रीका विचकार, जो कि तुहाडा एक बिजिएस्ट पोर्ट है। सब तो पहला आपां गल कर लें ओशनस दे विच पैसिफिक दी। पैसिफिक एक बिग ओशन है, सारे नों बड़ा ओशन है, कपैसिटी दे विच भी ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਜਪਾਨ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ USA, ਮੈਕਸੀਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਓਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਓਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਟ੍ਰੈਂਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਚ ਜੋ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਨਾ ਟ੍ਰੈਂਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਨਾ ਟ੍ਰੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਡੂੰਘਾਈ 11,134 meters ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵੀ ਨੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਲਕੈਨਸ ਤੋਂ ਇਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਲਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਆਈਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਲੈਂਡਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਜੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਲੋਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਲਕੈਨਸ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ, ਲਾਵਾ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਓਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ। ਜੋ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਪ ਪਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਪ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੇਨਲੀ ਨੌਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਓਸ਼ਨ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਓਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਓਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਓਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ਿਪਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜੋ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨਾ ਟ੍ਰੈਂਚ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਟੋ ਰੀਕੋ। ਪੂਰਟੋ ਰੀਕੋ ਟ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇਮ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਅਫਰੀਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਉਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੀਪੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁੰਦਾ, ਸੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਂਚ ਇੱਥੇ ਡੀਪੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੋ ਇਸਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਲੈਂਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਵੋਲਕੈਨੋਸ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਂਟੀਨੈਂਟਲ ਬੇਸ ਹੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਰਕਟਿਕ, ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ। ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਐਂਡ ਨਾਰਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ। ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੌਰਥ ਪੋਲ 'ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਉਹਦਾ ਜੋ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਰਥ ਪੋਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਹੈਗੀ ਉਸਦੇ ਜੋ ਆਈਸ ਕੈਪਸ ਨੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆਰਕਟਿਕ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਡੀਪੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਂਸੇ, ਨਾਂਸੇ ਟ੍ਰੈਂਚ।
यह डीपेस्ट ओशन है आर्कीटेक का। चलो जी, ये तो गल होगी थोड़ी ओशनस की। हुण इस तो बाद आप कुछ चीज़ा देखते हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाए जो आप गल ओशनस की करिए। एक पिक देखा, आप पिक तो आप समझने की कोशिश करा, अलग अलग ओशन के जो पार्ट्स होंगे ने उन्होंने की बोलते हैं, नाल लगती लैंड के नाल उस तो ओशन के नाल जो पार्ट्स बनते हैं उन्होंने की बोलते हैं। चलो बेसिकली ये आडे को आ गई लैंड, इतों ओशन स्टार्ट हो गया जी, ये ओशन जा रहा इन्हें ना स्टार्ट हो रहा जो फस्ट थोड़ा ओशन का जो पार्ट होंगे लैंड के नाल जो पाया जाता फस्टली जो पाया जाता उन्होंने बोलते हैं कॉन्टीनेंटल शैल्फ। जो अपने कॉन्टीनेंट्स बैल्ट पाई जाए जिस तरह वो प्लेट्स हो गई, कॉन्टीनेंट प्लेट्स हो गई, इस तरह ही ओशन प्लेट्स होंगे ने। सो फस्टली तुहाडे कोल लैंड दे नाल लगदा होया ये वाला पोर्शन हुंदा है, इहनू बोलदे ने कॉन्टीनेंटल शैल्फ। कॉन्टीनेंटल शैल्फ जो तुहाडी हुंदी है इहदी डैप्थ ज़्यादा ज़्यादा कह सकदे हो तुसीं भी 1 किलोमीटर तक जा सकदी हुंदी है, इन्नी कि इहदी डैप्थ हो जाती हुंदी है कॉन्टीनेंटल शैल्फ की। तो यह बेसिकली ये जो कॉन्टीनेंट शैल्फ हैगी ओशनस के डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज के नाल वैरी करती है, किन्ना किन्ना पार्ट वो ओशनस के है। जिदा कि इंडियन ओशन का जो पार्ट है 4.2% पार्ट है जो वो कॉन्टीनेंटल शैल्फ है इंडियन ओशनस के। ज़्यादातर कुछ ये की होंगे जी, ये की होंगे ये घट डूंगी होंगी, शैलो होंगी है 600-700 मीटर तक होंगी है ज नॉर्मली। सो इस करके एक बहुत ही रिच फिशिंग ग्राउंड बन जाता है, मच्छियों लिए एक बहुत ही रिच एक कह सकते हो मच्छी फड़न वाले एक बहुत वधिया ग्राउंड बन जाता है, जो कि ज़्यादातर फिशिंग लैंड के नाल इस कॉन्टीनेंटल स्लोप से की जाती है, शैल्फ से की जाती है। इस तो बाद जो शैल्फ खत्म होंगी है तो यह स्लो ए लैंड नीचे दम डिगन लगती है, एकदम इनू बोलते हैं कॉन्टीनेंटल स्लोप। स्लोप बेसिकली की हो गया थोड़ी जो लैंड है वह नीचे नू जा रही है, एक स्लोप बन रहा तो वह कॉन्टीनेंटल स्लोप उसनू बोलते हैं। गे इसकी डैप्थ हो सकती है कि 200 मीटर तो लैके 2000 मीटर तक यह डूंगा हो सकता है। एंड इसका जी एवरेज जो स्लोप होंगे जान का वो 2 to 5 degrees होंगे, 2 to 5 degrees के स्लोप के नाल नीचे नू जांदा है जी। उस तो बाद अगर आप गल करिए कॉन्टीनेंटल स्लोप के नाल, इत्थे आ चीज़ जो थोड़ी जी उच्ची राइज हो रही है इतों ए वाली, ये की होंदा है इहदे नाल की होंदा है जो कॉन्टीनेंटल स्लोप एकदम बनता तो ये जिन्ना भी इरोजन होंदा रेत वगैरह का जो होर मटीरियल का वह आके इत्थे डिपोजिट होने लग जाता, तो इस नाल इत्थे एक थोड़ा जा टिक जी बन जाती है उस चीज़ की। चलो जी, उस तो बाद आप गल करते हैं दिस इट इज़ ट्रेंच। ये पार्ट जो आ गया इनू बोलते हैं गे ट्रेंच। ट्रेंच की होंगी है थोड़ी मेनली टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी के नाल जा वॉलकैनिक एक्टिविटी के नाल, जो तुसी कह सकते हो जो तो कॉन्टीनेंट प्लेट्स होंगे ने, जो कॉन्टीनेंट्स दियाँ जो प्लेट्स मूव कर दिया ने जा ओशन ना टकराउंदियां जा उस तो मूव कर दिया ने, आपस दे विच जो तो एक दरार पैदा हो जाती है तो उदो ट्रेंच क्रिएट होंगी हैगी। ये बहुत ज़्यादा डूंगी जा सकती है, जिवें आपां देखिया मरीना ट्रेंच 11 किलोमीटर डूंगी हैगी, तो घट डूंगी भी हो सकती है। बेसिकली ये एक बहुत ही डूंगा स्थान होंगे ओशन के, इसते इसनों इस पार्ट तो नीचे इसनों बोलिया जाता है डीप ओशन। उस तो बाद आप गल करिए अपने लिए आ जाता जी इतने इन्ना वाला पोर्ट अपने पोर्शन अपने लिए आ जाता डीप सी प्लेन। इनू सारे नू बोलते हैं डीप सी प्लेन। ये की होंगे समुद्र की डूंगाई तो प्लेन, प्लेन्स का इतने की मकसद है बेसिकली। ये इदा नहीं है कि सारा इस तरह ही एक तुसी कह सकते हो पद्धर ते बनया रहेगा, ये उतरा चढ़ा आते रहते हैं, बट जो थोड़े मोस्ट ऑफ ओशन ने गे
ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਚਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੈਲਫ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਡੀਪ ਸੀ ਪਲੇਨਸ ਨੇ ਕਿ ਲੰਬਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਧਰ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਿਓਟ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਡੀਪ ਸੀ ਪਲੇਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੀ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਡੈਪਥ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3000 ਤੋਂ 6000 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਓਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਸੀ ਪਲੇਨ 40% ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਸੀ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਹੈ। ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਇਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੀਅਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਂਚਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਸੀ ਮਾਊਂਟ। ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਈਲੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮਾਊਂਟ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਜਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਗਿਓਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਜਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਨੇਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੇਨਲੀ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਜਸ ਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਵਾਊਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਟਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲੇਟਸ ਕਟਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਬਮਰੀਨ ਰਿਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਹ ਇਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਹਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਿਓਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਓਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਓਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਸ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਮਾਊਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗਿਓਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1000 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਡੂੰਘਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਸ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਮਰੀਨ ਕੈਨਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਬਮਰੀਨ ਇਹ ਰਿਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਨਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੈਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਬਮਰੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਟੋਲਸ ਦੀ। ਅਟੋਲਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਬੇੜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਓਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਸਕੈਲਟਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਰਲ ਪੋਲਿਪਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਲ ਪੋਲਿਪਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਗਜਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ना तो यह डायरैक्ट सनलाइट के आ सकते हैं, सनलाइट के आ गए तो मर जाएंगे, ना यह सनलाइट तो दूर हो सकते हैं। सो बेसिकली यह रीफ्स के जो थोड़ा तो कह सकते हो कि आप कॉन्टीनेंटल शेल्फ की गल की उत्थे उत्थे ही रहते हैं, जो कि ऊंचाई पर हो डायरैक्ट सनलाइट मिलती रहे, सनलाइट भी ना दूर हो कॉन्टैक्ट भी ना हो, इस तरह के यह कोरल रीफ्स होंगे ने गे। इस तो बाद आप इन्हों की गल करिए कि इन आ जाते हैं गे अलग अलग रीफ्स आ जाते जिन्हें चार टाइप्स होंगे ने गियाँ, जिदा कि पहले आ गए फ्रिंजिंग रीफ्स। फ्रिंजिंग रीफ्स थोड़े बेसिकली जो कॉन्टीनेंटल मार्जिन हो गए आईलैंड के साइड्स हो गई, बाउंड्रीज हो गई जो पानी के जा रही ने, कॉन्टीनेंटल साइड्स हो गए जिन्हों आप मार्जिन बोलते हैं, उन्होंने उपर यह इस्टैबलिश होंगे ने गे। उस तो बाद इन्हों का जो स्लोप है वह सीवर्ड तो लेकर स्टीप होंगे, तो लैंडवर्ड नू स्टीप स्टीप नू लैके जेंटल होंगे इन्हों का स्लोप, जो कहते भाव ढलाण कोरल रीफ्स जिथे इदा की ढलाण होगी उत्थे ये पैदा होंगे। जो फ्रिंजिंग रीफ्स अपने लवे आ गए ये ज़्यादातर तुहाडे कोस्टल तो दूर रहना पसंद करते होंगे ने गे, जिन्हों आप बोट चैनल भी कह दें, इदा के आईलैंड जो कोस्ट तो दूर होने पाए जाते हैं इन बोट चैनल भी कहते हैं। इदा के आप कोरल रीफ्स देखने मिलते हैं रावेश्वरम जो आप तमिलनाडु के है उत्थे इदा देखने को मिलते हैं। इस तो बाद अपने लगे आ जाते हैं बैरियर रीफ्स। बैरियर रीफ्स की होंगे सेम तरह के थोड़े कोरल रीफ्स ने, बट ये कि ने कि कॉन्टीनेंट तो दूर होकर थोड़ा जहा एक बाउंडरी तो दूर होकर उस दे सामने एक कॉलोनी बनाते हैं गे, तो वह कॉलोनी की है बहुत लंबी जाती है दूर तक जाती है, जिदा आपको देखने को मिलती है आस्ट्रेलिया दे विच ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ आस्ट्रेलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो बैरीयरस बनाते हैं रीफ्स बनाते हैं इन्हों बोलते जो स्लोप तो अलग होकर कॉन्टीनेंट्स तो दूर होकर एक बैरीयर बना के ये रहते हैं उत्ते, उसनों बोलते हैं ग्रेट बैरियर बैरियर रीफ, जिस तरह ना उत्ते एग्जिस्ट करते हैं। एक अपने लिए पाया जाता पैच रीफ, ये की हो जाता है ये समुद्र के रेंदे ने ऑफशोर रेंदे ने गे, बट आइसोलेटड एंड डिसकंटीन्यूअस रेंदे ने पैचस के लैंड तो आइसोलेटड बट डिसकंटीन्यूड इदा पैचस के रेंदे ने गे, उन्हां नू बोलते हैं गे ये पैच रीफ्स। जो एक तुहाडा टाइप आ रही है कोरल रीफ्स की, चलो ये बेसिकली कोरल रीफ्स भी हो गया। इस तो बाद आप देख लें एक तुहाडी फॉर्म आउंदी हुंदी है अटोल्स। अटोल्स बेसिकली आप बुकिश एक्सप्लेनेशन लेके चलिए तो वह कह रहे थे कि जो तो अटो कोरल रीफ्स कहते होर शू दे मांगू फॉर्म होंगे ने, होर शू दे मांगू तो वो नाल अटोल्स पैदा होंगे ने गे। अटोल्स क्यों बेसिकली तुहाडा कोरल रीफ्स तो पैदा होया हुआ एक आईलैंड होंदा गा, ये की हों कोरल रीफ्स ने गे जिदा आप गल की स्केल्टनस के उपर उपर ही लगते रहते हैं, जिस तरह वो निचले मर गए उपर होर लग गए निचले मर गए, इदा स्केल्टनस के उपर उपर जो पिंजर के उपर उपर लगते जाएंगे तो किसी लैवल तक वह आके पानी टच कर जाएंगे, तो किसी लैवल के आके पानी तो भी क्रॉस कर जाएंगे। जिदा इस तरह क्रॉस कर गए जिथे कोरल रीफ उग रहे इतने हो रहे हैं इतने इदा इदा करके, तो यह किसी टाइम इतने बाहर आ गए तो इस तरह का एक पैच बन जाएगा इन्हों का, तो यही जो बॉडी है इस तो बाहर हो जाएगी, तो इस दे नाल की पैदा होएगा तो एक अटोल पैदा हो जाएगा। अटोल्स बेसिकली जो होंगे ने गे ये आप एग्जाम्पल देखिए फौना फूटी एंड इलाइस। यह लक्षद्वीप के आईलैंड ने जो कि अटोल्स तो तैयार हुए हैं। इस तरह जो कोरल रीफ्स बाहर आ गए बाहर दे नाल इन्हां दा कॉन्टैक्ट टुट गया, तो ये काफ़ी समय के नाल तुसीं कह सकते हो मिलियनज़ ऑफ ईयर का प्रोसैस है ये, इस दे नाल इत्थे एक आईलैंड फॉर्म होना शुरू हो जाता है, तो वह अटोल्स के उपर ही आईलैंड बनया हुंदा है, जो कि फौना फूटी एंड अलाइस लक्षद्वीप के आईलैंड ने इसकी बेस्ट एग्जाम्पल ने, इन्हों बोलते हैं जी अटोल्स। इस तो बाद एक कंसैप्ट हुंदा कोरल ब्लीचिंग का, हो सकता पेपर दे विच आ जाए, वो की होंगे जो कोरल रीफ जो होंगे उन्होंने टेंपरेचर सेंसिटिव है, जो होर भी कारण करके कई सेंसिटिव है, जो उन्होंने आपके टेंपरेचर के इदा की करके जे रहने कोई परेशानी आती है
जो इन्हां दे विच सिंबोटिक एलगी रह रही होंदी है टिश्यूज़ दे विच, उह इन्हां नूं छड्डना शुरू कर दिंदे आ। जो थोड़ी जी भी सेंसिटिविटी इन्हां दी खराब होंदी है, इनसेंसिटिव होंदे आ, लाइक टैंपरेचर हो गया जां क्लाइमेट चेंज हो गया, उस दे नाल इह वाइट रंग दे होने शुरू हो जांदे ने, कहिण दा भाव इह डैड होण लग जांदे ने। उस टर्म नूं बोलिया जांदा कोरल ब्लीचिंग, जदों इह वाइट दे विच चले जांदे ने। एंड एनवायरमेंटली कोरल रीफ्स जां कोरल्स हो गए, सॉरी, एनवायरमेंटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने गे। इस तों बाद आपां चैक कर लैंदे आं सैलिनिटी। सैलिनिटी तुहाडा बेसिकली फैक्टर हैगा जो ओशनस दे विच आपां नूं मिलदा हैगा जां सैलाइन लेक्स दे विच मिलदा हैगा। सैलिनिटी नूं चैक करन लई अलग अलग इन्हां दे कह सकदे तुसीं टर्म्स हुंदियां ने जां मैथड्स हुंदे ने, जिद्दां कि एक लीटर दे विच किन्नी सैलिनिटी पाई जांदी है, ठीक है जी, जां उहदे विच अलग अलग कंपोजिशन हो गए सीवटर दी, जिवें सोडियम क्लोराइड, मैगनीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट जां पोटाशियम सल्फेट, इस तरह दियां जो पाई जांदियां ने उह किन्नियां कु पाई जांदियां ने, इह सारे इन्हां दे टर्म्स हो जांदे चैक करन दियां। सैलिनिटी नूं करना कोई ज़्यादा डीप दे विच आई थिंक कोई महत्वपूर्ण नहीं है ना, बट इहदे विच कुछ वाटर बॉडीज़ आ जांदियां जो ज़्यादा सलाइन ने अपने लिए। एक आ जांदा लेक असल, दिजीबूती दी लेक हैगी, लेक असल यह है जी तुहाडी 34.8% सलाइन है यह लेक, ये 34.8% नमक की मात्रा पाई जाती है। इस तो बाद अपने लवे आ जाता डेड सी, बहुत मशहूर है यह डेड सी, वैसट एशिया के पाया जाता है, तो ये 33.7% है। ग्रेट साल्ट लेक USA के पाई जाती है, ग्रेट साल्ट लेक ये 32% सैलिनिटी है। लेक वैन टर्की दे विच पाई जाती है, जिदे 23% सैलिनिटी है। हुण जो तुहाडे कोल सलाइन हो गया, सैलिनिटी आ गई, तो उस दे नाल की होता पानी की डेंसिटी बढ़ जाती हैगी। जिदा डेड सी है, डेड सी तुसीं इंटरनेट वगैरह ते जां होर ते देखते होवोगे, काफ़ी ज़्यादा पोस्टां आउंदियां ने इंस्टाग्राम फेसबुक के, वो पानी दे विच तैरदे हुंदे ने, तैरन की भी लोड़ नहीं हुंदी, पानी दे विच उतरदे ने, बट उहदे विच डुबदे नहीं। वो डेड सी दियां काफ़ी ज़्यादा पिक्स इदा फ्लोट हुंदियां ने, वीडियोज़ फ्लोट हुंदियां ने, उहदे विच सैलिनिटी इन्नी ज़्यादा कि उहदी डेंसिटी ही इन्नी ज़्यादा, ईवन कि ह्यूमन भी उहदे विच डुब नहीं सकदा, इन्ना ज़्यादा डेंस हो जाता पानी सलाइन होने के कारण। इस तों बाद आपां देख लैंदे जी कुछ क फैक्टर्स ने जो ओशन की सैलिनिटी को काउंटर करते हैं, भी उन्होंने घटा के रखते हैं। ये आ गया तो पहला आ गया एवेपोरेशन, जो पानी भाफ बन के उपर न उठता है, वो जिनी ज़्यादा ग्रेटर एवेपोरेशन होएगी उन्नी ज़्यादा हायर सैलिनिटी होएगी। इस तो बाद हो गया परसिपिटेशन, जिनी ज़्यादा अपने परसिपिटेशन होगी कि रेनफॉल, जिनी ज़्यादा रेनफॉल होएगी उन्नी सैलिनिटी थोड़ी लो होंगी जाएगी जिते होएगी, ओशनज हो गए जिते भी हो गया। इस तो बाद जो थोड़े रिवर्स होंगे ने, इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, जो अपने दरिया होंगे ने जो आके वह समुद्र के मिलते हैं, तो वह एक फ्रैश दरिया की लिया होता, फ्रैश वाटर लिया होता, हमेशा ही फ्रैश वाटर लिया के आऊगा पहाड़ों को, उहदे नाल जो आके समुद्र के मिलेगा तो वह आले नेड़े ताले दले का एरिया जो समुद्र का उत्थे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा घट जाती हैगी। तो इस तरह जो फ्रैश वाटर कई मच्छियां होंदियां ने, जां समुद्र दियां भी इस तरह दियां प्रजातियां होंदियां जो घट सलाइन वाटर दे विच रहना चाहुंदियां होंदियां ने मच्छियां, वह उत्थे पाईआं जांदियां ने, तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण एक जां बहुत ही इंपोर्टेंट तुसीं कह सकदे हो प्रोमिनेंट फिशिंग ग्राउंड बन जांदा जिथे समुद्र दरिया जाके समुद्र दे विच मिलदा। उस तो बाद एटमोसफेयरिक प्रैशर अपने लिए, जदों तुहाडा प्रैशर हाई हो गया जां लो हो गया, वाटर वेपर की कमी होगी जां ज़्यादा मात्रा दे विच आ गया, तो उहदे नाल सैलिनिटी घटदी वधदी रहिंदी हैगी। तो सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर, ओशन दे विच वाटर सर्कुलेट करता रहिंदा, उहनां नूं करंट बोलदे ने गे, पानी गर्म पानी ठंडा पानी इस तरह सर्कुलेट करता रहिंदा, तो उहदे नाल की है किसी वाटर दे विच ज़्यादा सैलिनिटी है वह इधर चला गया, जिहदे विच घट है वह इधर है, इस तरह वह सर्कुलेशन चल बनता रहिंदा, तो वह सैलिनिटी घटती बढ़ती रहिंदी है ओशनज़ दे विच। हुण आपां उही देख लैंदे आ जदों तुहाडा ओशनज़ दे विच हैगा करंट किदां वाटर किदां मूव करदा हैगा। पहला तो आ जांदा जी तुहाडे कोल वेव्स, वेव्स होंदियां नेगियां लहरां,
वेव्स तुहाडियां उठदियां रहिंदियां अल्टरनेटली, उठ गया नीचे चली गया, उठ गए नीचे गया। मेनली इन्हों का मेन फैक्टर होंगे गा विंडस होंगे ने गियाँ मेन फैक्टर जिदे नाल इह होंदियां ने। जो उस तो बाद एक होर फैक्टर बन जाता है जो कि ओशन दे विच वोलकैनिक एक्टिविटी हुई जां प्लेट्स की मूवमेंट हुई टैक्टोनिक प्लेट्स की, उहदे नाल वेव्स दे नाल फिर क्रिएट होंदा हुंदा सुनामी। सुनामी टी दे नाल पैंदी आ, टी सुनामी, बस सुनामी दे विच टी इत्थे साइलेंट रहिंदी आ। सो जदों ओशनस दे विच टैक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी होंदी आ, हलचल होंदी आ, अर्थक्वेक आउंदा जां वोलकैनिक एक्टिविटी होंदी आ, तां उहदे नाल वेव्स प्रोड्यूस होंदियां ने, बहुत ज़्यादा वड्डियां वेव्स प्रोड्यूस होंदियां जिन्हां नूं सुनामी बोलदे ने। जो अपने आम वेट्स वेव्स ने वो तुहाडे जो कह सकदे तुसीं विंडस हो गईआं, उहो जां ओशनिक करंट्स हो गए, उहनां दे नाल अफेक्टड होकर वह क्रिएट होंदियां ने। हुण आपां गल करदे हां ओशनिक करंट्स की। करंट्स दो तरह के होंदे, कोल्ड ते वार्म। कोल्ड होंदे जो ठंडा पानी लैके जाते हैं, वार्म होंदे अगे जो गर्म पानी लैके जाते हैं। बेसिकली आप मैप के जरिए जानने की ज़्यादा वधिया कोशिश करांगे, तो उस दे नाल एक ज़्यादा सोल्यूबल तरीके दे नाल आपां नूं इह समझ आ सकता है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, आस्ट्रेलिया, ये आ गया जी तुहाडे कोल, ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड। हुण जो बेसिक है इहदे विच आपां स्टार्ट करिए, फस्ट आप स्टार्ट करिए पैसिफिक ओशन तो। इत्थे अपने लिए इक्वेटर जा रही है जी, इत्थों दी इक्वेटर ये जा रही है भूमध रेखा। इस दे नाल नाल चलता है तुहाडे कोल इत्थे नॉर्थ इक्वटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वटोरियल करंट चलता है जो कि वार्म है, गर्म है। इस तो बाद ये इस तरह जाता हुआ इस तरह टर्न करता है इस साइड नूं, उदों ये बल जाता बन जाता गल्फ स्ट्रीम। जब तुसीं इहनूं कह सकदे हो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट बन जाता है। इस तो बाद इस दे नाल नाल इत्थों एक कह सकदा एक करंट बाहर नूं आउंदा गा जिसनों बोलते हैं जी इत्थे ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, यह ग्रीनलैंड आ गया, इत्थे ईस्ट दे विच पाया जाता जो कि यह जो करंट है यह कोल्ड हैगा, कोल्ड पानी इतों लैके आता गा। इस दे नाल इतों ही एक होर करंट बाहर नूं निकलता है, इसनों बोलते हैं लैबराडार करंट। इस तो बाद इहदे नाल जो करंट आउंदा इसनों बोलते हैं कैलीफोर्निया, कैलीफोर्निया करंट। लैबराडार करंट की है कोल्ड हैगा। बेसिकली दोनों करंट उपरों आ रहे हैं क्योंकि नॉर्थ पोल तो आ रहे हैं, इस करके ये कोल्ड करंट ने गे। जो कैलीफोर्निया गा यह तुहाडा एक ये भी कोल्ड करंट आ उपरों आ रहा है। कैलीफोर्निया इतों जो मैच करता ये नॉर्थ पैसिफिक करंट के नाल इतों मैच करता, नॉर्थ पैसिफिक करंट के नाल। अटलांटिक ओशन के आप होर करंट देखिए तो इस दे नाल पाया जाता है गुइना, गुइना करंट। इस कंट्री है जिथे जिथे भी करंट पाया जाऊगा बेसिकली उसका नाम उस कंट्री के नाम नाल ही चलूगा। सो इस तरह करके तुसीं याद भी इहनूं चंगे तरीके नाल रख सकते हो, जिवें जिवें इत्थे गुइना कंट्री आ गई इत्थे कैलीफोर्निया स्टेट आ गई, ठीक है जी। इस दे नाल नाल चलणगे इह, इत्थों नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आ गया। सो ये याद रखना सौखा हो जाएगा इहदे नाल। इस तो बाद इतने नॉर्थ नॉर्थ के नॉर्थ इक्वटोरियल करंट चल रहा, इसे नाल चल रहा इतने साउथ इक्वटोरियल करंट। यह भी वार्म करंट हैगा जो कि इतों हों एक उपर ड्रिफ्ट हो जाता तो एक नीचे ड्रिफ्ट हो जाता, नीचे जाके ये बन जाता है ब्राज़ील करंट। ब्राज़ील करंट क्यों हो गया है हुण, क्योंकि इतने ब्राज़ील कंट्री पाई जाती है। इस तो बाद नीचों तुहाडा इतों अंटार्कटिक तो एक करंट आ रहा है उपर, इनू बोलते हैं फॉकलैंड करंट। जो आ जा रहा यह कोल्ड होएगा, ओबियसली पोलस तो आ रहा कोई भी करंट वह कोल्ड होएगा, फॉकलैंड करंट इन बोलते हैं। इस दे नाल इतों लगातार एक चलता जा रहा कोल्ड करंट इतों जाता जा रहा होंगे, इनू बोलते हैं वैसट विंड ड्रिफ्ट। यह है जी वैसट विंड ड्रिफ्ट। इस तो बाद अपने लिए एक बेंगुला करंट, यही वैसट विंड ड्रिफ्ट हैगी जो उपर चढ़ के इस दे नाल नाल जाती है जो अफ्रीका दे, इनू बोलते हैं बेंगुला करंट, बेंगुला करंट। इस दे आपां इधर की गल करिए इधर बेसिकली तुहाडे कोल इक्वटोरियल करंट चलदी रहा, इस साइड तुहाडा साउथ इक्वटोरियल करंट चल रहा है। लैंड मास नहीं आ रहे तो इधर अफेक्ट नहीं हो रहे। हुण आपां गल करदे आ इंडियन ओशन की। इहदे विच जो तुहाडा इक्वटोरियल काउंटर करंट चल रहा सी, इक्वेटर दे नाल चल रहा सीगा, उह इस साइड दे विच चलदा। लैंड मास आ गया,
तो इस डेट के इदा इदा जाके वह मूव करते इंडियन ओशन दे ते दे नीचे चल रहा है सेम उ साउथ इक्वटोरियल करंट। उस तो बाद नीचे तो अपने लवे अंटार्कटिका तो आ रहा इतने वैसट ऑस्ट्रेलिया करंट जो अपने लवे साउथ अफ्रीका तो आ रहा एक ही है नीचे तो आ रहा है अंटार्कटिका तो सॉरी आ रहा साउथ अफ्रीका नहीं अंटार्कटिका तो आ रहा। सो बेसिकली की होएगा ये कोल्ड करंट होएगा जी। इस तो बाद अपने लवे जो मेन करंट आ रहा है इतने जापान के नाल करंट आ रहा इतने इनू बोलते हैं गे ओया करंट ओया ओ वाई ए ओया करंट दिस इज़ आलसो कोल्ड करंट। इस तो बाद अपने लवे नाल नाल जो इक्वेटर के नाल उपर नू चढ़ रहा है इसनू बोलते हैं जी कुरो करंट के यू आर ओ कुरो करंट। इस साइड ईस्ट के नाल साउथ के चलते हुए लैंड आ गई तो यह करंट नीचे नू बगन लग्या जो इस साइड के पाया जाता है इनू बोलते हैं गे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। सो बेसिकली ये करंट पाए जाते हैं तो इन्ने क करंट ही तुहाडे लई सफिशेंट होणगे अगर तुसी याद रख सकते हो। ज़्यादा याद रखना औखा नहीं है क्योंकि जिहड़ी कंट्री दे नाल जिहड़ा करंट पाया जाता वह उस दा नाम बन गया। सैकेंडली जो तुहाडे वार्म करंट ने गे वह इक्वेटरस ते चल रहे ने तुसी सिंपली याद रखते हो इक्वेटर ते आ रहे तो उस तो डिफलैक्ट हो रहे उपर नीचे जा रहे हैं गे साउथ हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल हो गया उस तो वार्म करंट डिवेलप हो रहे हैं। एंड जो थोड़े को नीचों आ रहे हैं जो उपर नू जा रहे हैं गे करंट यह थोड़े बन जाते हैं गे तुसी कह सकते हो इन्हों जो पोल्स तो आ रहे हैं आर्कटिक ते अंटार्कटिक उतों कोल्ड वाटर और नीचे नू मूव करता तो इतों जो थोड़ा वार्म वाटर है वह उपर नू मूव करता दोनों साइड उपर ते नीचे नू। सो यह कोल्ड ते हॉट वाटर करंट बन जाते हैं गे। एंड इन्हां दे विच एक इंपॉर्टेंट हो जाता जो चाइल दे नेड़े इत्थे करंट बनता है वो दे नाल की है एटाकामा डेजर्ट है जो कि बहुत ही ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ का वह डेवलप होंगे उस करंट के नाल तो उस दे नाल ही अपने मानसून इफेक्ट होंगी है तो उस दे नाल ही बनता है एल नीनो इफेक्ट एंड ला नीना इफेक्ट। देखा अपने लिए अगर जो इंपॉर्टेंस लगती हुई इसकी तो एल नीनो तो ला नीनो भी कर लेंगे बट आई डोंट थिंक कि तुम्हें इन्ना टफ पेपर आएगा कुछ कु तुम्हें फैक्ट्स के नाल ही आएगा ज़्यादा करंट तुम्हें ये मैप्स तो मिलेंगे काइंडली डाउनलोड द पिक्स ऑफ द करंट कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स ऑन योर फोन एंड रिवाइज दैम अकॉर्डिंग टू द कंट्री। अज का लैक्चर आप इतने ही समाप्त करेंगे हाइड्रोस्फेयर अपना इतने खत्म हो रहा है नैक्सट लैक्चर एनवायरमेंट या इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करा तो अगर स्टडी करने की कोशिश करा। सो अज के लिए इन्ना ही नैक्सट लैक्चर मिलते हैं जी। धन्यवाद।